नैनीताल से कुछ दूरी पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है नकुचिया ताल। नैनीताल की भीड़ से दूर अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सुकून भरी जगह पर स्टे किया जाए तो ये जगह है आपके लिए। मैंने यहाँ पर एक एयरबीएनबी बुक किया जो कि 4 बेडरूम का एक बंगला था। हम 3 फैमिलीज जा रहे थे जिसमें 3 छोटे बच्चे भी थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि एयरबीएनबी किस तरीके का था। आत्मन नाम है इसका। जज कॉलोनी नकुचिया ताल पर एक एरिया है, वहाँ पर ये एयरबीएनबी है। चलिए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो ये रहा एंट्रेंस। एंट्रेंस से घर कुछ इस तरीके का दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी न्यू प्रॉपर्टी थी। इसके रिव्यूज़ मुझे नहीं दिखे थे बट मुझे प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लग रही थी। होस्ट से मैंने पहले कई सारे सवाल जवाब किए, उन्होंने मुझे डिटेल में सारे सवालों के जवाब दिए, तो मैंने ये प्रॉपर्टी बुक की। 4 बेडरूम है इसमें। चलिए अंदर देखते हैं। तो ये है एंट्री, हम लोग करते हैं। तो सबसे सामने हमें पड़ता है किचन। यहाँ पर आपको केयर टेकर भी अवेलेबल मिलेंगे जो आपकी खूब सारी हेल्प करते हैं, मतलब हमारी तो बहुत हेल्प की। ये है 1 बेडरूम जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है और बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन किया गया है घर। होस्ट का कहना है कि उन्होंने खुद अपने रहने के लिए डिज़ाइन किया था और एक एक चीज़ बहुत करीने से यहाँ पर लगाई गई है। ये है यहाँ का डाइनिंग टेबल एरिया और ये लिविंग एरिया आमने सामने है। और ये रहा इस प्रॉपर्टी को बुक करने की वजह, यहाँ का लॉन। इतना खूबसूरत लॉन है और साथ में इतना अच्छा व्यू। और ये एक छोटा सा मिनी बार है यहाँ पर आपकी लिविंग एरिया में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, सबसे अच्छी बात है ये न्यू है, घिसी-पिटी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। जब आप यहाँ पर जाएंगे नैनीताल के आसपास, आपकी प्रॉपर्टीज़ बहुत पुरानी दिखती है, कहीं सीलन है, कहीं मतलब आपके बेडिंग से बदबू आ रही है, लेकिन यहाँ सब कुछ फ्रेश था। तो ये 2 बेडरूम है ऊपर स्टेयर्स चढ़कर। और इस बेडरूम को यूरोपियन स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर जो 4 बेडरूम है ना, 4 बेडरूम को अलग अलग डिज़ाइन में स्टाइल किया गया है, ये मेरा फेवरेट था। और ये है एक और बेडरूम, 3rd बेडरूम, जो कि एशियन स्टाइल में ये डिज़ाइन किया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आप बालकनी देखिए, बालकनी सारे बेडरूम्स में है लेकिन ये तो बेस्ट है जी। ये बालकनी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत बड़ी है। और यहाँ पर ये बेडरूम भी सबसे बड़ा है। तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं, 1 फ्लोर और ऊपर। यहाँ पर हमारा 4th बेडरूम है जो कि थोड़ा छोटा है और सिंगल इंसान के लिए अच्छा है ये बेडरूम। तो यहाँ पर भी बेसिक सारे एमिनिटीज हैं। और अब यहाँ से चल के आप बहुत खूबसूरत हिस्सा दिखाती हूँ जो कि है छत। इसको खोला और सामने देखिए, इतने अच्छे से मेंटेन की हुई है ना ये प्रॉपर्टी। छत की देखिए एकदम क्लीन है, आराम से आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत मुझे अच्छी प्रॉपर्टी ये लगी। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं जिसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और आप चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ, और आपको बहुत ज़्यादा बाहर घूमना ना हो, क्योंकि ये जो एयरबीएनबी है वो थोड़ा सा सेक्लूडेड जगह में है, स्टिल ये बहुत ब्यूटीफुल है। हम 3 दिन यहाँ रहे और मुझे लगता है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत फील ही नहीं हुई थी। हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। 2 दिन हम लोगों ने लगातार यहाँ बारबेक्यू किया था, जो कि यहाँ के केयर टेकर हैं उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की। बारबेक्यू में उन्होंने बहुत मेहनत की और हम लोगों ने अपनी महफिल जमाई। हम फ्रेंड्स साथ में थे, कुछ फैमिली साथ में थी, और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जब हमने उन बताया था कि हमारे साथ बच्चे भी आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ टॉयज़ वगैरह भी बच्चों का इंतज़ाम किया था। और टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ये नकुचिया ताल का ये एयरबीएनबी बहुत अच्छा लगा। इसका नाम है आत्मन। और अगर आपको भी यहाँ पर जाकर रुकना है तो मैं डिटेल्स में आपको यहाँ पर डिटेल में दे दूँगी कि इसका लिंक दे दूँगी, तो आप यहाँ पर इसको बुक कर सकते हैं। आत्मन नाम है, नकुचिया ताल में ये है। एयरबीएनबी ऐप में आपको दिख जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और ये जगह, ये स्टे बहुत अच्छा था, होस्ट बहुत अच्छे थे, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ये हमको पड़ा है। अगर आप एक बड़ी फैमिली, एक दोस्तों का ग्रुप जा रहे हैं तो ज़रूर इसको बुक कीजिए। ओके, बाय बाय।